नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिले मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अदिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर तो बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में, में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके ऐसी कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप एम मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाके देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके ऐसी कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज इस के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता ए दिल मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देख मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी का एमडी भी रेटिंग तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दू की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल ए मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब आरोप अनऑफिशियल तरीके ऐसी रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी में यह कहना चाहता हूँ की ए दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफ काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब आरोप अनऑफिशियल तरीके ऐसी रिलीज की गई है द बॉलीवुड जक्शन चैनल पर वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाके देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की जो की दो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर मेरे दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी की एम डी देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब आरोप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफिल्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना यदि दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल एश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की ए दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छा मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी YouTube पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहां पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं पता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूँ मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपये का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी की आईम डी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी YouTube पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहां पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहता है तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहा पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है है। मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की जो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी की एमडी भी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकता है लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने ऐसी पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए दिल मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहता है दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें बाकी मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने ऐसी पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूँ की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणवीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अदिले मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की करें तो इस मूवी तो को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दस अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी का एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ऐडिले मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए दिल मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपये का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दरअसल अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ कि ए दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी भी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाके देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखें जहाँ पे आपको एक अच्छा देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता कि की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी की एमडी भी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो कि 10 में से 6 आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर ऐसी देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब आरोप अनऑफिशियल तरीके ऐसी रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखें जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिले मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दस अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अहिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इसमें मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो कि 10 में से 6 आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकता है अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिल मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना दोस्तों आगे हम जानते हैं की अहिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफिल पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिल मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिक का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना मेरे दोस्तों आगे हम जानते हैं की आदिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो कि की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं हैं। तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर जो उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अहिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी का एमडी भी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि लि� इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देना चाहता है दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके ऐसी कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के वीडियो में ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिले मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की दिल मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की दिल मुश्किल मूवी मुझ्क बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें चलता है कि यह movie, की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों तो अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना जाते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके ऐसी कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिले मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने ऐसी पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दू की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफ काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके ऐसी रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिल ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा पवार खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अह दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी मुझी, काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी का एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब आरोप अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल आरोप अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब आरोप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने ऐसी पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों आपको बता दूँ की जो की दो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थको हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की जो की दो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपये का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप को बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणवीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल ए मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी भी रेटिंग देखो तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके ऐसी रिलीज की गई है द वुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना मेरे दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की ए दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी की एमडी भी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब आरोप अनऑफिशियल तरीके ऐसी रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल आरोप वह वहाँ कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिले मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए जो की जो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल ए मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के आई एम डी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहा पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय अभीफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको आपको बता दूं कि ए मुश्किल मूवी मूवी जो में 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 रिलीज की गई थी इस के के साथ साथ एक अच्छी लव स्टोरी ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के की एमडी भी रेटिंग तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप YouTube पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहा पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूँ की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणवीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीख पे काफी करी है अगर आप इस मूवी की एम डी बी रेटिंग देखो तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उसके चैनल पर जाके देख सकता है लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जा के इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की जो की दो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी का कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी एम डी बी रेटिंग वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखें जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की ए दिल ए मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो तो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दरअसल अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम रेटिंग देखोगे तो वो तो तो भी काफी कमाल की है जो कि दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा देख सकते हैं तो सभी लोगों की जो इस को यूट्यूब पर देखना चाहता है अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा को ऑफिशियल तरीके से देखे जहा पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूँ की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना यदि दोस्तों आगे हम जानते हैं की अ दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दस अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहता है दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी देखे पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स भरपूर जाकर उठा सकते हैं चलिए आज के के इस वीडियो वीडियो में में इतना ही रखते हैं मिलते हैं मिलते अगली तब तक लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको दूँ की ए दिले मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणबीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में ऐसी छह आती है तो मैं यही कहने चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर ऐसी देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं दोस्तों तो तो आपको बता दें अभी के समय यह मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं 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 अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप मुश्किल मूवी देखना चाहते और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दू की मुश्किल मूवी जो दो 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अहिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग 50 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी का एमडी भी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहता है दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके ऐसी रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके ऐसी कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिल मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल है मुश्किल मूवी मुझी, बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस को जरूर से देख सकता है अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहता है दोस्तों तो आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहा पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप दिले मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो दो हजार में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर तो आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफ काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए दिल मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अहिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी की एमडी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहा पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो कि 10 में से 6 आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लिए रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस बार रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर तो आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम रेटिंग बेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में ऐसी छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर ऐसी देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहता है तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिल मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की दोस्तों बॉक्स ऑफिस तो की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों तो अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता मुश्किल मूवी मुझी, काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी भी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं दोस्तों आप को बता दे कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह मूवी YouTube पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहा पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिले मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना मेरे दोस्तों आगे हम जानते हैं की दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा ता इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाके देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज इस के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप आग इस मूवी के एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब आरोप अनऑफिशियल तरीके ऐसी रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाके देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके ऐसी कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज इस के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दिल मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देख मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की दिल ए मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी का एमडी भी रेटिंग देखो तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए देले मुझे मुझे की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी की एमडी बी देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब आरोप अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना मेरे दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफ काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाके देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की जो की दो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बता दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी की एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहे कि इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल एश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छा मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी की एम डी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी YouTube पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहां पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं पता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए दू मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपये का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के आई डी बी देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी YouTube पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहां पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देख जाता है तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आखिरकार मूवी कैसी है है। मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की जो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी का एम डी भी रेटिंग देखो वे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाके देख सकता है लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने ऐसी पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की जो की दो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देखें सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी का एम डी रेटिंग होवे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस इस मूवी मूवी को को मिस है तो आप एक बार के लिए इस को जरूर से देख देख सकते सकते हैं हैं अब बात करते आखिरी में कि इस मूवी को आप कहां और कैसे हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देना चाहता है दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूँ की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की दिले मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी का एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए दिल मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणवीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में एक लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दस अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी भी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है है। तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें की अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखें जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दू की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अहिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग 50 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर, पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी की एमडी भी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो कि 10 में से 6 आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिले मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो कि 10 में से 6 आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकता है अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिल मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँगी की ए दिले मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अदिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इसमें मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो कि 10 में से 6 आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकता है अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहता है दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहा पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिल मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना यदि दोस्तों आगे हम जानते हैं है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाके देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक पे जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिक का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस बार रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो कि 10 में से 6 आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं हैं। तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह, वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर जो उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अहिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के की रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोग की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब आरोप अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वहाँ वह वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब आरोप इस मूवी को देखना चाहता है तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा की आप इस मूवी को ऑफिसियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिसियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स आरोप रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज इस में तय रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता आखिरकार मतलब यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की जो की दो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणवीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते है की दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता कि है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी की एमडी भी देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना जाते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने ऐसी पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना मेरे दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफ काफी करी है अगर आप इस मूवी का एमडी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के में यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिल मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज इस के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह, यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की ए दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के आई रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब आरोप अनऑफिशियल तरीके ऐसी रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब आरोप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने ऐसी पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप आग इस मूवी की एमडी भी रेटिंग देखो तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाके देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं है तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की जो की दो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई है फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के का एमडी देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूँगा की तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह मूवी YouTube पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं को बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणवीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल ए मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब आरोप अनऑफिशियल तरीके ऐसी रिलीज की गई है द बॉली वुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की जो की दो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना मेरे दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की ए दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब आरोप अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जक्शन चैनल आरोप अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहा पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए में जो की 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणबीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि ए दिल ए मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय Netflix पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की जो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह movie, की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के आई एम डी रेटिंग देखो तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छे आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाकर मूवी का भरपूर उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिर यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए कि की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणवीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीख पे काफी करी है अगर आप इस मूवी की एम डी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंशन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उसके चैनल पर जाके देख सकता है लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने ऐसी पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन की लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की जो हजार सोलह में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिर में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी बी रेटिंग देखो तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन को यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए दिल है मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना मेरे दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों तो बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दर्शा अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के आईम डी रेटिंग देखोगे तो वो तो तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा देख सकते है। अब बात करते हैं सभी है। तो लोगों की जो इस को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं दोस्तों अभी के समय यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा को ऑफिशियल तरीके से देखे जहा पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूँ की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अ दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दरअसल अगर आखिर में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी का एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस से छे आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस इस मूवी मूवी को को जरूर से देख सकते हैं हैं अब बात करते आखिरी में कि इस को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके ऐसी देखे जा पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की ए दिले मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अदिले मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग 50 करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस आरोप रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफें काफी करी है अगर आप इस मूवी का एम डी भी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में ऐसी छह आती है तो मैं यही कहने चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर ऐसी देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब आरोप देखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको बता दें अभी के समय यह मूवी यूट्यूब आरोप अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दू की मुश्किल मूवी जो दो 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अहिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग 50 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई सौ करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दस अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की दिल मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी का एम डी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब देखना चाहते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके ऐसी कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ए मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं के दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छे आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस को जरूर से देख सकता है अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहता है दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार यह मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अहिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की दस में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं दू की मुश्किल मूवी जो कि 2016 में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की अदिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दस अगर आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी बी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह, वह वहाँ पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहा पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहा देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस का भरपूर इन्जॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए मुश्किल मूवी मुझ्क देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग सौ करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि यह की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपरहिट मूवी में शामिल हो गई थी तो अगर तो 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 आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी की एमडी भी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो कि 10 में से 6 आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिल मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ की आखिरकार ये मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी की लीड में आपको रणवीर कपूर के साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने को मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं की ए दिल मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई फिर फ्लॉप फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग ढाई करोड़ रुपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है कि की यह मूवी बॉक्स ऑफिस बार रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर तो आखिरी में हम बात करें की आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफे काफी करी है अगर आप इस मूवी के एमडी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो कि 10 में से 6 आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में कि इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को यूट्यूब देखना चाहता है तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय यह मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ की यह मूवी यूट्यूब पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब पर इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें कि मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहाँ देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पे जाके इस मूवी का भरपूर एंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों अगर आप ए दिल मुश्किल मूवी देखना चाहते हैं और इसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ की इस मूवी को आप कहा और कैसे देख सकते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको इस मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ मूवी कैसी है मतलब किन किन लोगों को यह मूवी काफी पसंद आएगी और कौन कौन से लोग इस मूवी को नापसंद भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू की मुश्किल मूवी जो की दो में रिलीज की गई थी इस मूवी के साथ में आपको एक अच्छी लव स्टोरी के साथ में ड्रामा और म्यूजिकल का भी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है मूवी के लीड रोल में आपको रणवीर कपूर के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन अनुष्का शर्मा फवाद खान और इमरान अब्बास जैसे कलाकार देखने मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी पसंद भी मेरी तरह रणबीर कपूर है तो हमें इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं ए दिल है मुश्किल मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई थी फिर फिर हम जानेंगे इस मूवी को आप कहां और कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस मूवी को बनाने में लगभग पचास करोड़ रूपए का खर्च किया गया था लेकिन जब इस मूवी को बॉक्स ऑफिस आरोप रिलीज किया गया तो इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप काफी अच्छा कमाल करके दिखाया मूवी ने बॉक्स ऑफिस आरोप लगभग ढाई करोड़ रूपए का बड़ा कलेक्शन किया इससे हमें पता चलता है की यह बॉक्स ऑफिस पर रणवीर कपूर की बेस्ट सुपर हिट मूवी में शामिल हो गई थी तो दोस्तों अगर आखिरी में हम बात करें कि आपको यह मूवी देखनी चाहिए या नहीं तो मैं आपको सिंपल सी लाइन में यह कहना चाहता हूँ की मुश्किल मूवी काफी ज्यादा एक अच्छी मूवी है इस मूवी को जितने भी लोगों ने देखा इसकी तारीफ काफी करी है अगर आप इस मूवी के एम डी रेटिंग देखोगे तो वो भी काफी कमाल की है जो की में से छह आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा की अभी तक आपने इस मूवी को मिस करा है तो आप एक बार के लिए इस मूवी को जरूर से देख सकते हैं अब बात करते हैं आखिरी में इस मूवी को आप कहाँ और कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले बात करें उन सभी लोगों की जो इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता कि अभी के समय यह मूवी YouTube पर अवेलेबल है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह मूवी YouTube पर अनऑफिशियल तरीके से रिलीज की गई है द बॉलीवुड जंक्शन चैनल पर अब वह वहाँ वह पे कितने समय तक रहेगी इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता तो अगर आप यूट्यूब इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा की आप इस मूवी को ऑफिशियल तरीके से देखे जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रिंट देखने को मिले बात करें की मूवी आपको ऑफिशियल तरीके से कहां देखने को मिलेगी तो यह मूवी अभी के समय नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है आप नेटफ्लिक्स पर जाके इस मूवी का भरपूर इंजॉय उठा सकते हैं चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद